हमारी कोशिश है कि आपका परिचय हम हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति से करवाएं। भारतीय नौसेना ने पिछले दिनों देश के सामने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की झलक पेश की थी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं क्योंकि इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है। तकनीक से लेकर कलपुर्जों तक, यहाँ तक कि जहाज में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी भारत में ही बना है। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर समझा जा सकता है, आपने अब तक किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या युद्धपोत को दूर से ही देखा होगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपको ले चलते हैं INS विक्रांत पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर अंदर से कैसा दिखता है। देखिए, दो सौ 62 मीटर लंबा, 15 मंजिल ऊंचा और 40,000 टन वजनी, यह है समंदर का नया प्रहरी INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी की वो ताकत है जिसके नौसेना में शामिल होने के बाद सागर में कोई भी दुश्मन भारत पर आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकेगा। कभी कहा जाता था कि भारत में एक सुई तक विदेश से आती है और अब भारत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इसकी ताकत और इसकी क्षमताओं के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत गर्व होगा। भारत की आज़ादी के 75 साल का ये एक बहुत चमकदार और शानदार पड़ाव है। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का सफ़र भी मुश्किलों से भरा रहा लेकिन बहुत कामयाब रहा, ठीक उसी तरह जैसे भारत का आज़ादी का 75 साल का सफर है। पिछले दिनों इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का पहली बार समंदर में ट्रायल हुआ। 5 दिन की अपनी पहली यात्रा में विक्रांत के हर सिस्टम ने अपना पूरा काम किया। ट्रायल के बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। अब तक आपने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर से ही देखा होगा लेकिन जी न्यूज आपको पहली बार किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर लेकर जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हवाई कार्रवाई की महत्ता पूरी दुनिया को समझ में आई उसी समय एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने शुरू हुए। एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल एक तैरता हुआ एयरबेस है जो समुद्र के जरिए कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। भारतीय नौसेना के पास पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में आया था, तब उसका नाम भी INS विक्रांत ही था। INS विक्रांत ने ही 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1997 में INS विक्रांत को नौसेना से रिटायर कर दिया गया। INS विक्रांत के गौरवशाली इतिहास के कारण ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नामकरण भी INS विक्रांत के नाम पर ही किया गया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29 या तेजस जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा सी किंग, चेतक, कामो या रोमियो हेलीकॉप्टर भी इस पर मौजूद रहेंगे। इतने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल करने वाला फ्लाइट कंट्रोल डेक यानी फ्लाइको इस जहाज का दिल है। फ्लाइट कंट्रोल रूम है यानी जिस तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कार्रवाई किसी एयरबेस पर या किसी एयरपोर्ट पर करता है, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में ये जगह फ्लाइट कंट्रोल रूम वही कार्रवाई करती है। जाहिर है कि यहीं से हर एयरक्राफ्ट का, चाहे वो कोई फाइटर जेट हो या हेलीकॉप्टर हो, उसका पूरा ऑपरेशन यहीं से कंट्रोल होगा। इट इज अ इंडिजिनस कैरियर, मतलब इसका डिज़ाइन भारत में किया गया है और बनाया भी भारत में जा रहा है। तो ये हमारे पास दो कैरियर पहले थे, विक्रांत और विराट, जो हमने वेस्टर्न कंट्री से लिए थे, और अभी जो एक कैरियर है विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया है। ये पहला कैरियर है जो हम पूरी तरह से भारत में बना रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर पर चलता फिरता एयरबेस या एयरपोर्ट कह सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर सबसे बड़ी चुनौती होती है एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग। जरा सी चूक से बड़ी गलती हो सकती है।
आसमान से जब जहाज नीचे आता है तो एक डाक टिकट की तरह लगता है, और ये शिप जो है वो 15 से 25 30 नॉट के स्पीड पे आगे भी बढ़ रहा होता है, तो एक मूविंग रनवे पे लैंड करने का रिक्वायरमेंट है। एंड जब एयरक्राफ्ट 200-300 किलोमीटर पर आवर से जब लैंड करता है और किसी भी एक वायर पे ट्रैप करके जब वो उसको रुकना होता है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ लेट से 20-30 सेकेंड ज़्यादा होगा, उस दौरान में उसको 200-300 किलोमीटर पर आवर से लेके जीरो स्पीड तक आना होता है। सबसे खतरनाक होता है जब आप आसमान से देखते हैं समुद्र हिल रहा है, जहाज हिल रहा है, क्योंकि समुद्र कई बार बहुत खराब स्थिति में होता है, बैड सी स्टेट होती हैं, और उस वक्त एक डाक टिकट पर लैंडिंग करने के लिए अप्रोच करना और 3 तारों में से किसी एक पर फंसाना और 20 सेकंड के अंदर 300 किलोमीटर से जीरो की रफ्तार पर आना, ये रोमांच भी है और सबसे बड़ी चुनौती। INS विक्रांत एक दिन में समंदर में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है, यानी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 या उससे ज्यादा ऑपरेशन एक साथ चलाए जा सकते हैं। इस हवाई पट्टी से हम एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे नाम जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसकी सच्ची क्षमता, जो मारक क्षमता है इसकी, वो एयरक्राफ्ट से आती है। सो इसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल होगा वो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स उसको देते हैं। जब ये ऑपरेट करेगा एक CBG की तरह, तब ये तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी एक दिन में कवर करने की, और जहाँ पे चाहिए हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड में तैयार किया गया है और ट्रायल के बाद INS विक्रांत इसी शिपयार्ड में लंगर डाले हुए हैं। समंदर के इस नए शहंशाह की कई खूबियां हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। INS विक्रांत पर बिजली उत्पादन की क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे आधे कोची शहर को बिजली की सप्लाई की जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 1700 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है। शिप में 2-3 गैली कॉम्प्लेक्स है और ये 3 गैली कॉम्प्लेक्स में करीब 1700 आदमी के लिए खाना बन सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टी एवरीथिंग, और ये अराउंड द क्लॉक एट सी खाना बना सकते हैं। और ये इसमें जो यूनिक इक्विपमेंट जो फिट किया है वो कोई भी सी स्टेट में भी ऑपरेट कर सकते हैं, और हमारे पास ऐसा वाला मशीन्स भी है जो ये इडली भी बन सकते हैं, डोसा भी बन सकते हैं, और ये सब शिप में एक एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में ये सब बनवाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप इक्विपमेंट भी यूज़ करना पड़ता है, ये सब इसमें डेवलप करके फिट किया है। पावर सप्लाई इस शिप में इतना पावर है कि आधा कोचिन में पावर सप्लाई लाइटिंग के लिए देने के लिए कैपेबिलिटी है। INS विक्रांत एक विमान वाहक युद्धपोत है और युद्धपोत की पहली प्राथमिकता युद्धपोत को ताकतवर और आधुनिक रूप से मजबूत बनाने की रहती है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में नौसैनिकों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। 15 मंजिला इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिम कैफेटेरिया तो है ही, साथ ही मनोरंजन के साधन भी मौजूद है। बहुत गर्व होता है ये सोचकर कि कोई देश जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सुई तक नहीं बनाता, वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा, और वो भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें 1500 से 1700 नौसैनिक कई महीनों तक समुद्र में रह सकते हैं। इसमें 15 फ्लोर हैं और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इतनी बिजली पैदा होती है कि उससे पूरे कोची शहर को बिजली दी जा सकती है। '99 में पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारतीय नौसेना ने काम शुरू किया और 10 साल बाद 2009 में इसकी नींव पड़ी, यानी इसकी कील गाड़ी गई। पहली बार भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड इतना बड़ा और मुश्किल तकनीक वाला जहाज बना रही थी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगने वाली स्टील भी भारत में ही बनाई गई। 1999 में देखा गया स्वदेशी एयरक्राफ्ट का सपना 2021 में पूरा हो गया और बहुत मुमकिन है कि अगले साल नया INS विक्रांत देश सेवा के लिए समंदर में तैरता दिखे। कि ये इंडिजिनस कैरियर है, इसमें ज़्यादातर इंडिजिनस इक्विपमेंट है,
तो इसको जो ऑपरेट और मेंटेन करने की क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो तकनीक है वो भारतीय है, तो इसीलिए ज़्यादातर इसकी मेंटेनेंस में हमें बहुत सहूलियत होगी एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कैरियर्स दैट वी हैव। दूसरी बात ये है कि इसमें सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इस कैरियर की एफिशिएंसी, इसकी जो प्रोपल्शन है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसका जो शिप मशीनरी कंट्रोल सिस्टम वगैरह हैं, वो बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी के हैं, उससे इसकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसके ऊपर 30 के करीब एयरक्राफ्ट कैरी कर सकेगी, फाइटर एयरक्राफ्ट और रोटरीविंग एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, कई किस्म के ऑपरेशन कर सकता है, तो ये सब मिला के देखा जाए तो नौसेना की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, रूस से खरीदा गया INS विक्रमादित्य, जो अरब सागर की ओर तैनात किया गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए दक्षिणी कमान में भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। सर, मैं अगर इसको विक्रमादित्य के साथ कंपेयर करूं, जो भारत का भारतीय नौसेना का इस समय इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है, कहां खड़ा पाते हैं विक्रांत या कहां तैरता पाते हैं? दो तरीके की तुलना कर सकते हैं। एक तो विक्रमादित्य है एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन विक्रमादित्य जब रशिया से खरीदा गया उसका जो डिज़ाइन है वो क्रूज़र के डिज़ाइन में है, क्योंकि वो पहले ऑडी एक जहाज़ बना हुआ था, उसको एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना के कन्वर्ट हुआ था। लेकिन विक्रांत अगर सही मायने से देखा जाए तो ये पुराने विक्रांत का नया अवतार है। ये नीचे से ऊपर तक, ढांचे से ऊपर तक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ही इसका पूरा डिज़ाइन हुआ है और उसी के हिसाब से इसका प्रोडक्शन चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने जगह भारत के नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों अपने अपने जगह सही जगह बैठते हैं। तीनों सेना हमेशा से तीन एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती थी, ताकि अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट के लिए खड़ा भी हो तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटों पर एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद रहे। INS विक्रांत के आ जाने से ये सपना कुछ हद तक पूरा भी हुआ है, लेकिन ये सपना पूरी तौर पर तब पूरा होगा जब भारतीय नौसेना का अगला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल समुद्र में उतर जाएगा।